हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनो मैकेनिकल। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ, एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने नई 2020 होंडा CRF 1100L अफ्रीका ट्विन एडवेंचर स्पोर्ट को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस बाइक की भारत में एक शोरूम कीमत 15,35,000 रुपये से शुरू होती है। यह कीमत बाइक के मैनुअल ट्रांसमिशन वेरियंट की है। वहीं DCT वेरिएंट की कीमत 16,10,000 रुपये तय की गई है। 2020 अफ्रीका ट्विन दो वेरिएंट में ही भारत में लॉन्च की गई है। फिलहाल भारत में इस मोटरसाइकिल का एडवेंचर स्पोर्ट वेरिएंट ही लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि 2020 अफ्रीका ट्विन में नए क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और इस प्राइस में आपको इस बाइक में क्या क्या नया खास देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं। अफ्रीका ट्विन को नए मॉडल में पहले से ज़्यादा पावरफुल और पैरेलल ट्विन इंजन के साथ लॉन्च किया गया है। इसमें आपको 1084 cc का इंजन मिलता है, जो कि 100 bhp की पावर और 105 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। 220 होंडा अफ्रीका ट्विन में आपको होंडा स्टेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल के साथ अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा। नई अफ्रीका ट्विन को पुराने मॉडल के मुकाबले वजन में 5 kg तक हल्की कर दिया गया है। यह बाइक पहले की तरह 2 ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ लॉन्च की गई है। इस बाइक में आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 DCT ट्रांसमिशन मिलते हैं। 220 अफ्रीका ट्विन के इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज में होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल तकनीक दी गई है। अब यह 6 एक्सिस इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट से पावर्ड है। नई मोटरसाइकिल में व्हील कंट्रोल के 3 लेवल HSTC मतलब होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल के 7 लेवल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन ब्रेकिंग के 3 लेवल मिलेंगे। इस नई होंडा अफ्रीका ट्विन में आपको 4 राइडिंग मोड्स मिलते हैं। पहला टूर, दूसरा अर्बन, तीसरा ग्रेवल और चौथा ऑफ रोड, जिसके सहारे आप कहीं पर भी आसानी से स्मूथ राइडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इस बाइक में आपको ड्यूल चैनल ABS सिस्टम और ऑन ऑफ रोड सेटिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। मोटरसाइकिल में फ्रंट में 21 इंच व्हील और रियर में 18 इंच व्हील मिलते हैं। वहीं बाइक में सिंगल पिस्टन क्लिपर वाले 310 mm डुअल वेब फोल्डिंग हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। इसी के साथ ही अब इस बाइक के माइलेज की बात करें तो होंडा का दावा है कि 220 अफ्रीका ट्विन के मैनुअल वर्जन में 20.4 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज और ऑटोमेटिक DCT वर्जन में 20.8 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलेगा। इस बाइक में 25 लीटर का फ्यूल टैंक आपको मिल जाता है। इसी के साथ ही इस बाइक में नई तकनीक और नए कनेक्टिविटी फीचर्स भी मिलते हैं। इस बाइक में अब आपको नया टच स्क्रीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जो कि ब्लूटूथ ऑडियो के साथ एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी से लैस है। इस बाइक के लेटेस्ट मॉडल में आपको व्हील कंट्रोल सिस्टम मिलता है, जो कि 3 लेवल इनपुट के साथ आता है। वहीं आपको बता दें कि इस नई अपडेटेड बाइक में कंपनी ने BS6 मानक वाले इंजन का प्रयोग किया है। कंपनी ने 220 अफ्रीका ट्विन की बुकिंग भी शुरू कर दी है और बताया जा रहा है कि इसकी डिलीवरी आगामी मई महीने से देश भर में शुरू कर दी जाएगी। इस बाइक की कीमत जितनी ऊंची है, इसका पावर भी उतना ही दमदार है। एडवेंचर स्पोर्ट बाइक के तौर पर यह बाइक एक बेहद सटीक विकल्प है। तो दोस्तों, आपको यह बाइक कैसी लगी यह आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।